सो गाइस अब हम ऋषिकेश में अभी फ़िलहाल थे और राफ्टिंग किए हैं नाव पे और हम लोग नाव चलाए, काफ़ी मज़ा आया है। राम झूला सामने हमारे है और ये यहाँ का व्यू है काफ़ी सुंदर, तो आप भी देखो और आपको मज़ा आएगा काफ़ी। चारों तरफ आपको दिख जाएंगे कुछ छोटे छोटे जो आपको राफ्टिंग कराते हैं, जो अपन आप जिनके यहाँ से आपको नाव मिलेगा। भींगा हुआ, पूरा भींग चुका है मेरा कपड़ा, काफ़ी हार्ड है। पहाड़ के ऊपर ही मेरा टेंट लगेगा आज, तो अभी टेंट पे हम लोग जाएंगे, कैंपिंग का भी दिखाएंगे। तो ये लोकेशन है। हेलो, सो हमने अभी रिवर राफ्टिंग कर ली और अब हम लोग जा रहे हैं अपने कैंप की ओर। यस, अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ हम लोग रुके, फिर हम अपना सामान लेंगे, फिर हम कैंप पे चले जाएंगे। और हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। हमें बहुत ज़्यादा मजा आया, आपको लाइफ टाइम एक बार एक्सपीरियंस करना ही बनता है। और अब हमें वो अंकल ने सही सही रास्ता बता दिया। और मेरा पता है, मेरे एक लास्ट ग्लास बचे हैं, मेरे दो सनग्लास गिर गए क्योंकि मैंने पॉकेट में रखा था और मुझे पानी में ज़बरदस्ती उन्होंने ढकेल दिया और मेरे दोनों चश्मे गिर गए। सुबह कपड़ा पहन लें, फिर चलते हैं और फिर वापस फिर आते हैं अगर मार्केट का जो लोकल मार्केट में जाएंगे। और आप घूमेंगे, काफ़ी गीले हैं हम चुके हैं इस टाइम और ठंडी काफ़ी बढ़िया वाली लग रही है। पैर में कुछ नहीं, चप्पल स्लीपर तक नहीं पहना हो, तो चलने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है। दोस्तों गाइस, अभी हम राफ्टिंग करने के बाद अभी यहाँ पे आए हैं। अभी ये आलू के पराठा हैं जो आपको यहाँ पर 40 रुपये एक पीस मिलेगा, तो अभी हम लोग खा रहे हैं। अच्छा वाइब है, तो आप आओ ऋषिकेश, काफ़ी मज़ा आएगा। आप टाइम लेकर के आओ, हम लोग तो जल्दी जल्दी में आए, एक दिन में बहुत मज़े आ रहे हैं। भैया मैं आया हूँ, ये आपको यहाँ पे कितने का आप ले रहे हैं? तो और कुछ बना हुआ ये ऐसा मन जो मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे सर से 7-4 यही मार्केट देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे दूर दूर तक आपको ऐसे ही मार्केट दिखने को मिलेगा, ये राम झूला के चढ़ने से पहले इस तरह का मार्केट बन रहता है। सो गाइस जब अभी हम राम झूला के पास आ गए और जब राम झूला के पास हम आते हैं तो यहाँ पे ऐसा छोटा सा मार्केट दिखता है। यहाँ पे बुद्ध भगवान के मूर्तियाँ काफ़ी दिख रही है। राम झूले पे आ गए और ये काफ़ी पतला गाइस, जैसे देखो सामने से एकदम मुश्किल से इसमें एक गाड़ी मुश्किल जा रही है, फूल काफ़ी यार झील रहा है यार जी, तार से पूरा इसको बांधा गया है ऊपर से। चद्दर टाइप का कुछ मिलेगा सोने के लिए, तो यहाँ पर ठंडी है अभी, सुबह मॉर्निंग का टाइम ठंडा है। तो अभी मैं टेंट में हूँ और ये आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू, और ये टेंट है तो काफ़ी मस्त व्यू है। सामने पहाड़ी कुत्ता और गाइस देखो कितना मस्त वाला व्यू है। तो अभी हम नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं टेंट का व्यू। तो कल रात में हम लोग यहाँ पर आए थे, आई थिंक 10 बज गया था, 10 या 8 के बीच में, तो रात के समय में मैं पहाड़ों का पूरा आपको व्यूज़ नहीं दिखा पाया था। तो अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने कैंप पे। तो कल मैंने राफ्टिंग किया था, राफ्टिंग करने के बाद पूरा डे उसी में ख़त्म हो गया था। तो आज हम यहाँ पे 1 बजे तक रहेंगे इस कैंप में, उसके बाद प्लान शायद हम लोग का मसूरी का जाने के लिए। तो जैसा भी अपडेट होगा आपको देता रहूँगा। तो फिर अभी मैं नीचे चल रहा हूँ।
गाइस अभी हम लोग टेंट पे अपने टेंट पे और ये सामने का व्यूज आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारा व्यूज है। और हम चार जन हैं जो अभी यहाँ फिलहाल अभी इस जगह पे हैं, मज़ा आ रहा है, तो आप भी देखो।